भारत के अंडमान निकोबार में ही एक ऐसा भी द्वीप है जहां पर काफी ज्यादा खूंखार जनजाति रहती है। यहां आम आदमी के जाने की तो बात दूर है, सरकारें भी जाने से डरती हैं। इस आइलैंड का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है, जिसके बाद भारत सरकार ने इसके पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन लोगों के बारे में काफी सारी चीजें कही जाती हैं, जो हम आगे वीडियो में जान पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। वैसे तो यह भारत का हिस्सा है, लेकिन यह किसी भी देश या बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। यह बाहरी लोगों से कभी नहीं मिले। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी जनसंख्या लगभग 400 से 500 के आसपास है। ये लोग आज भी आदि मानवों की तरह रहते हैं। जैसा कि मनुष्य पाषाण काल में पत्ते लपेट कर रहता था, वो आज के आधुनिक कपड़ों और हथियारों से बिल्कुल अपरिचित हैं। जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवरों को उसी प्रकार भाले से शिकार करते हैं जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। वो लोग आज भी आग के बारे में नहीं जानते। हम ये बात कह सकते हैं कि यह बाकी दुनिया से काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं। इन लोगों को देखकर मनुष्य अपनी पिछली जिंदगी के बारे में अच्छे से जान सकता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। आज का मनुष्य उनके लिए एक एलियन जैसा है। जैसा कि हमारे सामने एलियन आने पर हम बर्ताव करेंगे, वो लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इस बात का पता तब चला जब साल 1880 में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उस समय एक अंग्रेज व्यक्ति अपनी टीम के साथ वहां जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। उनकी भाषा बड़ी ही अजीब थी, जिसके कारण वो अंग्रेज अधिकारी उनसे बात नहीं कर पाए, तो उन्होंने वहां से 6 सेंटिनलीज को बंदी बनाकर अपने साथ ले आए, जिसमें 4 बच्चे, 1 आदमी और 1 औरत थी। 2 दिन बाद बंदी बनाए गए 6 लोगों में से आदमी और औरत बीमार पड़ गए और मर गए, तो उस अंग्रेज अधिकारी ने बाकी बचे 4 बच्चों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। इसके बाद सेंटिनलीज बाहरी इंसानों को सिर्फ खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा की गई इस हरकत के बाद उस आइलैंड पर जब भी इंसान गया तो उन लोगों ने इंसानों पर हर बार हमला ही किया, जिसमें एक बार नेशनल ज्योग्राफी की टीम भी गई, जिसको वहां पर मौजूद सेंटिनलीज द्वारा सिर्फ नुकसान ही मिला और उन्होंने ज्योग्राफी टीम को अपने आइलैंड पर ज्यादा देर रुकने नहीं दिया। लेकिन ऐसी ही लगातार कोशिशों के चलते साल 1991 में पहली बार सेंटिनल लोगों से संपर्क किया गया। एंथ्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित उस आइलैंड पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही सेंटिनलीज ने उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। लेकिन डायरेक्टर द्वारा जब उन्हें नारियल दिखाए गए तो वह थोड़ा शांत हुए और कुछ सेंटिनलीज सावधानी के साथ उनके पास आने लगे। लेकिन नारियल लेने के बाद भी वो लोग उन्हें वापस जाने को कहने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बड़े गौर से देखने लगते हैं, मानो उन्होंने कोई नई किस्म का जानवर देख लिया हो। वो सर्वे की टीम के शरीर पर बार बार हाथ फेर रहे थे। कुछ देर वहां बिताने के बाद त्रिलोकनाथ पंडित ने कहा कि हमें इन लोगों के पास ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये लोग दवाई बनाना नहीं जानते। यदि हम इन लोगों के पास ज्यादा देर तक रहते हैं तो हो सकता है हमारे शरीर में मौजूद कोई वायरस इनके शरीर में चला जाए, तो यह जनजाति संकट में आ सकती है। वैसे भी क्या पता वो लोग उनके ऊपर फिर से हमला कर दें। और उनके बर्ताव से ये बात साबित हो गई कि उस आइलैंड पर जाना खतरे से भरा है, क्योंकि उन्होंने सर्वे की टीम से भले ही थोड़ी देर शांति से बात की हो, लेकिन उनके बाकी साथी पीछे पेड़ों और पत्थरों के पीछे हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। इससे यह साबित हो गया कि इस आइलैंड को अकेला ही छोड़ना अच्छा रहेगा, और इसी कारण नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के पास 9 किलोमीटर तक जाने की किसी के पास अनुमति नहीं है। एक हैरानी वाली बात यह भी है कि साल 2004 में आई सुनामी के कारण ये लोग बच जाते हैं। इस बात का पता तब चला जब इंडियन नेवी का एक हेलीकॉप्टर उनका जायजा लेने के लिए वहां भेजा गया, तो उन्होंने वहां पर सब नॉर्मल पाया और इतनी ही देर में एक सेंटिनलीज वहां आया और उन्हें तीर मारने लगा, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। एक बार 2 भारतीय मछुआरों की आंख लग जाती है और वो गलती से इस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं और सेंटिनलीज उसे खतरा समझकर मार देते हैं और वहीं समंदर के किनारे गाड़ देते हैं। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो लोग इनकी डेड बॉडी तक वापस ला सकें। नवंबर 2018 में एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलेक एक मछुआरे को 25,000 का लालच देकर उस आइलैंड पर जाने के लिए राजी कर लेता है और इलीगल तरीके से वहां पर पहुंच जाता है, जहां सेंटिनलीज ने पहले दिन तो इन्हें कुछ नहीं किया
और उन्हें वापस जाने के लिए इशारा करते रहे, लेकिन वो वापस नहीं आए। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जॉन उनसे बात करने की कोशिश करता रहा, तो उन्होंने जॉन के ऊपर हमला कर दिया और उसकी डेड बॉडी का उन्होंने क्या किया यह पता कभी नहीं चला। ऐसी ऐसी घटनाएं हमें बताती हैं कि क्यों उसे सबसे खतरनाक आइलैंड कहा जाता है और इंसान यहाँ क्यों नहीं जा सकते। दोस्तों, क्या हमें वहाँ पर फिर से जाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या उन लोगों को भी आधुनिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खतरनाक इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन से भी अपना चुकें।